पेंशन बहाली मंच की बैठक आयकर संघ भवन में आयोजित की गई। बैठक का संचालन आयकर महासंघ के जोनल सचिव शैलेंद्र गुप्ता द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ के केंद्रीय महामंत्री विनोद कुमार राय एवं विशिष्ट अतिथि संग्रह अमीन संघ के अध्यक्ष अशोक पांडे भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि पुरानी पेंशन व्यवस्था यदि बहाल कराना है तो हमें संगठनीय भेदभाव भुलाकर सड़क पर आकर संघर्ष करना होगा। एक मंच पर आए तभी पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल हो पाएगी। कार्यक्रम को अशोक पांडे, भारतेंदु यादव, राजेश सिंह, सब्बीर अली, इजहार अली सहित अन्य लोगों ने संबोधित किया। पार्लियामेंट को घेरते पार्लियामेंट को घेरने का काम किया गया किया जा। हम लोग भी जितने लोग आप रहेंगे उससे डेढ़ गुना हम लेकर के गोरखपुर से आता हूँ, और वो लोग भी ये चाहते हैं कि हम हड़ताल करेंगे, हम विरोध करेंगे। ये परिवार है, रेल हो या समाज हो या मनुष्य हो, कि हम हड़ताल करेंगे, कोई देश का नुकसान ना हो, कोई गड़बड़ी ना फैले, हमारी बातचीत से हमारा मामला सुलझ जाए। लेकिन अब बातचीत से सुलझने वाला मामला नहीं रह गया है, बहुत लंबा खींच दिया गया है। अब दिखाने का जब एनपीएस के आयकर की आज के मीटिंग का जो हम लोगों का सारे इस खचाखच भरा हुआ है इनका दफ्तर, इसमें एक आदमी का दो दोस्त होगा अगर उनको लेकर के आएंगे, दो दोस्त अगर वो भी किसी को लेकर आएंगे चार होगा, और परिवार के संयोजक बनाए गए शैलेंद्र गुप्ता जी, उनका स्वागत है। और इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए आयकर महासंघ गोरखपुर के जोनल सचिव शैलेंद्र गुप्ता ने बताया। और यहां पे सर ने जो भी आगे की रणनीति बनाई है, जैसे कि 27 जून को लखनऊ में जो है चारबाग स्टेडियम में जो हुंकार भरो रैली है, और उसके अलावा जो संसद सत्र में जो संसद का घेराव है, और दिल्ली में जो भी रैली, जो भी दिशा निर्देश हमारे महामंत्री जी ने और अध्यक्ष जी ने दिया है, सह संयोजक के रूप में मैं सहायक जोनल सचिव आयकर कर्मचारी महासंघ का हूं, और आज मुझे सर ने सह संयोजक हमारे साथियों को रवि गुप्ता जी को, अश्वनी जी को और सरदेंदु प्रजापति जी को सह संयोजक बनाया गया है। मैं सर को पूरा ये आश्वासन देता हूं कि जो भी लड़ाई ओबीएस की बहाली को लेकर लड़ी जाएगी उसमें आयकर कर्मचारी महासंघ गोरखपुर पूरी तत्परता, पूरी लगन और पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उस लड़ाई को सफल